देखने से तो काम चलेगा नहीं। पिछले बार सपना इन्होंने देखा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार इनको 0 पे आउट होना। ईडी तो स्वयं श्रीमती गांधी के राज में ही बना है, उनके बेटा के द्वारा ही लालू प्रसाद जी की सदस्यता समाप्त हुई। तब तो बड़ा अच्छा था कि 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हम करेंगे, ये एनडीए सरकार का कमिटमेंट था तो ये पूरा होना चाहिए। लेकिन 80,402 जो शिक्षक जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा पास की थी, जिसको की गारंटी तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने, कमिश्नर ने और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने जो कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट का क्या होगा? जो पुराने लोग बहाल हुए उनकी चिंता कौन करेगा? आप यदि नियमावली बनाकर सिर्फ बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं तो ये ठीक नहीं है। जाना ही चाहिए। हम तो नीतीश जी को खोज रहे हैं कि दिल्ली में जाएं, बम्बई जाएं, क्योंकि वहां पहले से कगो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। कलकत्ता जाएंगे तो वहां ममता दीदी जी बैठी हुई हैं। तेलंगाना जाएंगे तो KCR बैठे हुए हैं। चेन्नई जाएंगे वहाँ आपको स्टेलिन बैठे हुए हैं। तो इनका स्वागत यदि वहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार करेंगे तब तो आगे की बात होगी। ये अपना सपना देखने से तो काम चलेगा नहीं। पिछले बार सपना इन्होंने देखा था तो 2 सीटें आई थी, इस बार इनको 0 पे आउट होना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी को याद दिलाना सिर्फ चाहता हूं कि ईडी हमने नहीं बनाया, ईडी कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं बनाया। ईडी तो स्वयं श्रीमती गांधी के राज में ही बना है और कार्रवाई तो उसी समय से शुरू हुई। और सीबीआई का भी स्थापना तो स्वयं कांग्रेस के लोगों ने ही किया है। और कोई नई व्यवस्था यदि नरेंद्र मोदी जी ने किया हो तो ये बताएं। लेकिन श्रीमती गांधी को ये बताना चाहिए, उनके बेटा के द्वारा ही लालू प्रसाद जी की सदस्यता समाप्त हुई। तब तो बड़ा अच्छा था, लालू प्रसाद जी के खिलाफ ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया, तब तो इस देश में किसी लोगों ने विरोध नहीं किया, कहा लोगों ने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो रही है। आज यदि खुद कुआं खोदे और उसी में गिर गए तो इसकी चिंता तो उनको स्वयं आत्ममंथन करना चाहिए।